कटनी से एक मामला सामने आया है जहां फरारी काट रहे बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग की गई, जिससे आरक्षक की जान बाल बाल बची। बताया जा रहा है जबलपुर से इनपुट मिलने पर इन फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई हुई थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र के झर्रा टिकुरिया में फरारी काट रहे जबलपुर के दो शातिर अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पिस्टल से फायरिंग की गई, लेकिन पुलिस कर्मियों ने युवक को पकड़ लिया, जिसके चलते गोली सामने लगने की जगह फर्श पर लग गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से दो पिस्टल व जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। सीएसपी विजय प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन को जबलपुर के दो शातिर अपराधी जीत चतुर्वेदी और आकाश गांवकर के कटनी में फरारी काटने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इस पर साइबर सेल आरक्षक प्रशांत विश्वकर्मा व जितेंद्र सिंह को उनकी लोकेशन पता करने के निर्देश दिए गए थे और साइबर सेल को दोनों के रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र के झर्रा टिकरिया के पास होने की लोकेशन मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपियों के ठिकाने पर दबिश दी। इस दौरान एक बदमाश ने आरक्षक पर कट्टे से फायर कर दिया, लेकिन आरक्षक ने हिम्मत दिखाते हुए कट्टे की दिशा जमीन की ओर कर दी, जिससे फायर होने के बाद भी गोली उसे नहीं लगी बल्कि फर्श में जा धंसी। सूचना प्राप्त हुई कि जबलपुर के दो साथी बदमाश यहाँ झरटपुरिया में रहकर फरारी काट रहे हैं। वीरेंद्र तिवारी, पुष्पराज सिंह, ये भी इनको भी खबर दी गई। इन सब ने जाके झरटपुरिया में मस्जिद के पीछे इनकी लोकेशन मिली, इनका घेराबंदी किया। अब ये स्टाफ ने भी घेराबंदी किया तो उसमें से एक जीत चतुर्वेदी जो था इसको पहले जो है उसने पकड़ लिया। इस पर से दूसरा उसका जो साथी था आकाश ग्रावकर, उसने जो है अपनी पिस्टल से फायर किया तो हमारा जो प्रधान अक्षर था साइबर का, वो प्रशांत विश्वकर्मा, वो उसके पास पहुंच गया था। उसने उसका हाथ छटक दिया तो उसका पिस्टल नीचे हो गया तो फायर जो हुआ लेकिन वो फर्श पे लग गया, इस तरह से उसकी जो है जान बच गई। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।